ढाई भी बज चुके हैं और स्ट्रेटजी भी लेनी है अनिल जी आपके साथ, बिगुल तो नहीं है बट जैसा अभी आपने बग्गा साहब के साथ हाईलाइट भी किया, 200-200 पॉइंट नीचे आपको डाओ नैस्डैक फ्यूचर्स दोनों दिख रहे हैं, तो अमेरिका में थोड़ी वीकनेस के संकेत आ रहे हैं। एशिया आज पूरा कमजोर था, जापान 1%, चीन हांगकांग आधे से 1% थे। यूरोप में भी आपको नरमी इस समय दिख रही है, हमारे बाजार भी सुस्त हैं, तो हमारे बाजार के साथ साथ ग्लोबल मार्केट्स भी इस समय थोड़ा दबाव में ही दिख रहे हैं, जरा बताएं सर क्या करना चाहिए? किस पे? हमें पहले बैंक निफ्टी, पहले बैंक निफ्टी एक्सपायरी से पहले। भाई साहब ये वीकली एक्सपायरी आज बैंक निफ्टी की, जी दो हफ्ते पहले आपको ध्यान हो एक वीकली एक्सपायरी हुई थी जिसमें मैंने कहा कि बैंक निफ्टी में ऐसा कम देखने को मिलता है कि 52,700 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में, करेक्ट, 52,800 पर हाईएस्ट ओवर 100 पॉइंट की रेंज में पुट और कॉल में ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट दिखे, है ना, यानी कि ऐसी भी कोई एक्सपायरी होनी चाहिए क्या जिसमें कुछ मूवमेंट ही ना हो? और आज जो देखेंगे दीप तो आप चक्कर खा जाएंगे। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में है 50,000 पे, कॉल में है 52,000 पे, हजार हजार पॉइंट दूर है, सोचो क्या बात है इतना ज्यादा भी? इतना ज्यादा कैसे? हाँ। यही है कि इसका मतलब यह कि अभी लगता है कि लोग थोड़ा उम्मीद करें कि वोलेटिलिटी बढ़ सकती है। क्या है इम्पोर्टेंट बैंक निफ्टी में? 50,800 से 51,000 ये सपोर्ट लेवल रहेगा इम्पोर्टेंट, इस रेंज में सपोर्ट लेगा जैसे जैसे बैंक निफ्टी नीचे आएगा। 50,800 के फुट पर 35,00,000 शेयर है, 51,000 पे 53,00,000 शेयर है आज की एक्सपायरी के, ठीक है, तो ये सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर कितना जा सकते हैं? 51,200 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट है लेकिन कोई खास नहीं। ऊपर में 51,500 यहाँ पर 51,00,000 शेयर है, इसको पार करने पर ही थोड़ी सी रिकवरी के संकेत आएंगे, तब तक आपका कमजोर रहेगा। तो कहीं कहीं ऐसा लग रहा है बैंक निफ्टी 51,000-51,500 की रेंज में वक्त बिताकर यहीं कहीं एक्सपायरी करना चाहता है 51,200-53,000 के आसपास। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड, नहीं नहीं बैंक निफ्टी में तो हम दीप हमने छोड़ दिया इसको बिल्कुल, ऐसा छोड़ा है कि पूछो मत, काफी टाइम से नेग्लेक्ट, एक डेढ़ हफ्ते से मूड निफ्टी पे आपसे लेने हैं। निफ्टी की कल है एक्सपायरी, यहाँ भी थोड़ा दूर है मामला, 24,000 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, 25,000 पर कॉल्स में सपोर्ट का है। अभी हम ट्रेड कर रहे हैं दीप 24,300 के आसपास, करेक्ट, 24,400 आ गया, वेरी गुड, चलो थोड़ी रिकवरी आई है निफ्टी में। तो 24,500 मेक और ब्रेक लेवल है आपके लिए, 24,500 के पुट पर 53,00,000 शेयर है और 24,500 के कॉल पर 1,17,00,000 शेयर है जी। तो आज फिर से बात वही है दीप, ये दिन में इधर उधर घूम फिर के कहीं भी आ जाए, बंद 24,500 के ऊपर होना जरूरी है, ओके, हर निशान में बंद होना जरूरी है। अगर वो नहीं होता है तो लगातार दूसरे दिन आप 24,500 से थोड़ा भी नीचे बंद होंगे ना तो संकेत थोड़ी कमजोरी के दे देंगे, तब आपके लिए 24,300 क्लोजिंग बेसिस पे अगला बड़ा सपोर्ट होगा। तो हमारी दोनों में खरीदारी करने की राय, ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में बिल्कुल साफ है, नहीं है, नहीं है, हाँ बिल्कुल, अच्छा। साफ है, नहीं है, अभी हमारा खरीदारी करने का कोई मूड है नहीं, वेट एंड वॉच। अगर स्टॉक स्पेसिफिक आपको तेजी करनी है तो जो पसंद आए वो कीजिए, सेठी साहब आपको कॉल्स दे रहे हैं, बाकी सब एक्सपर्ट दे रहे हैं, जो कॉल्स आपको समझ में आए वहाँ कीजिए। स्टॉक स्पेसिफिक तेजी में रहिए, इंडेक्स में तेजी नहीं करनी है, इंडेक्स में तेजी नहीं करनी है, स्टॉक्स पर फोकस करें।